हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिन, क्वार्टर एंड नकल जॉइंट्स। माई सेल्फ अखंड प्रताप चौहान। पिछले कई सारे लेक्चर्स में हम लोग काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं और आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टॉपिक है पिन, क्वार्टर एंड नकल जॉइंट्स। इसको अच्छे से समझेंगे, इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इस बार जैसा कि आपको पता है कि अभी बात चल रही है ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की, तो आप लोग बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और बहुत ध्यान देना, बारीकी से ध्यान देना है। अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो हमारी थोड़ा सा आसान होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर में हमको और अच्छी तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। तो सभी बच्चे विशेष ध्यान देंगे और ये नोट्स सब अपने ग्रुप में सेकेंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल के बच्चों के साथ आप लोग इसको शेयर करेंगे और पढ़ेंगे। ईमानदारी से मेहनत करिए, सिर्फ एक महीने का समय आपके पास है, अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं पिन, क्वार्टर एंड नकल जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में। देखो, सबसे पहले इन सब की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई, हम जानते हैं कि जैसे मशीन है, मशीन क्या है, मशीन वह है जो किसी भी प्रकार की अनुपयोगी ऊर्जा को उपयोगी ऊर्जा में बदल देती है। तो सिंपली हमें जो पिन, जो लास्ट चैप्टर भी हमने कुछ डिस्कस किया था, आज हम पिन, क्वार्टर, नकल जॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इन सब का इस्तेमाल क्या है। मान लो मशीन है, कोई मशीन बनी है, उसमें कई सारे कंपोनेंट हैं, कई सारे पार्ट्स हैं और एक जगह से दूसरी जगह हमें फोर्स ट्रांसफ़र करना है, पावर ट्रांसफ़र करनी है, मूवमेंट ट्रांसफ़र करना है। तो कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे पार्ट्स को, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर पावर स्थानांतरित करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, हमें इन जॉइंट्स को बनाने के लिए, दो पार्ट्स को जॉइंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के मैकेनिज्म की आवश्यकता पड़ती है, विभिन्न प्रकार के कनेक्शंस की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें हम यूज करेंगे पिन, क्वार्टर एंड नकल जॉइंट का। तो पिन एक्चुअली है क्या? पिन एक्चुअली आपको बता दें, ये हमारी माइल्ड स्टील की बनी हुई होती हैं। पिन किस मटेरियल बनी होती हैं? माइल्ड स्टील की। पिन है क्या? पिन एक टेम्परेरी फास्टनिंग है। क्या है ये? पिन एक टेम्परेरी फास्टनिंग है। ये बेलनाकार आकार की होती हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है, ज़्यादातर पिन ये है, मान लो बेलनाकार आकार की होगी। पिन कैसे आकार की होगी? बेलनाकार आकार की। आपको दिखा भी दें प्रैक्टिकली, जैसे ये है पिन, ये भी एक पिन है, ये भी क्या है, एक पिन है, जैसे ये दिख रही है आपको पिन, इस प्रकार से पिन बेलनाकार आकृति की होती है। ये माइल्ड स्टील की बनी होती है। हम विभिन्न प्रकार की पिन का आज हम उपयोग पढ़ेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो पिन क्या है? एक टेम्परेरी फास्टनिंग है जो बेलनाकार अथवा टेपर के आकार की होती है। इसका क्या काम होता है? ये जिन दो पार्ट्सों को जोड़ा जाता है, इसका ये काम कर, जिन दो पार्टों को जोड़ा जाता है तो पिन है ये, तो जिन में जोड़ा जाता है, जहाँ जोड़ेंगे वहाँ होल कर लेंगे, होल कर लेंगे उसमें पिन को फंसा देंगे। कोई दो पार्टों को जोड़ना रहेगा तो जहाँ दोनों पार्टों को जोड़ा वहाँ होल कर लेंगे, ठीक है, किसी प्रोसेस के माध्यम से होल करेंगे, ड्रिल के माध्यम से या जो भी प्रोसेस है, उस होल में पिन को हम डाल देंगे। तो इस प्रकार से एक टेम्परेरी जॉइंट बन जाता है। बात क्लियर है? तो पिन एक टेम्परेरी फास्टनिंग है, एक टेम्परेरी या एक कहेंगे अस्थाई बंधन बनाने की युक्ति है जो बेलनाकार अथवा टेपर के आकार की होती है और जिन दो पार्ट्सों को जोड़ना है उसमें होल करके इसमें पिन डाल दिया जाता है और इस प्रकार से एक अस्थाई बंध बन जाता है, टेम्परेरी जॉइंट बन जाता है। ये जनरली माइल्ड स्टील के बने होते हैं। पिन किस से बने होते हैं? माइल्ड स्टील से। और इनमें विभिन्न प्रकार की प्रोसेसिंग करके इसको हार्ड बनाया जाता है और ग्राइंड करके इसकी सरफेस को स्मूथ किया जाता है ताकि ये आसानी से इंसर्ट हो जाए, होल में आसानी से चली जाए, होल में आसानी से ये सरक जाए, ठीक है।
ये आसानी से इंसर्ट हो सके, इसलिए इसकी सर्विस फ्रेस बहुत अच्छी रहती है, बहुत स्मूथ रहती है। और जनरल हमारा जो लोड ट्रांसफ़र करना होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एक्सियल और ट्रांसफ़र फोर्स भी काम करते हैं, इन पर टेंशन आता है, ट्विस्ट लगता है, तो उन सबको ये आसानी से झेल भी जाएँ, इतनी शक्ति इसके अंदर होनी चाहिए। और जब ज़्यादा लोड आता है किसी कंपोनेंट पर, दो पार्ट्सों को जोड़ रहे हैं ये, तब जब ज़्यादा लोड ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस टाइम क्या होगा, सिर्फ ये पिन टूटेगी, हमारे पार्ट्स टूटने से बच जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है, जो जॉइंट है ये कैसे जॉइंट है, टेम्परेरी जॉइंट है, ज़्यादा दिक्कत होगी तो ये टूट जाएंगे वहाँ से, ज़्यादा ट्रांसफ़र ज़्यादा लोड नहीं ले पाएंगे, तो हमारा बड़ा नुकसान होने से बच जाता है। तो ये क्लियर हुआ होगा। पिन हमारी दो प्रकार की होती हैं, जो क्लासिफिकेशन है जॉइंट के आधार पर, एक होता है क्विक रिलीज पिन, दूसरा, पहला क्विक रिलीज पिन फास्टनर, दूसरा सेमी परमानेंट पिन फास्टनर, तुरंत मोचक पिन स्तरक या अर्धस्थाई पिन स्तरक। जो तुरंत मोचन पिन स्तरक है, तुरंत मोचन पिन स्तरक, इसको देखेंगे क्या है, क्या कहता है तुरंत मोचन, तुरंत मोचन कहता है, जैसे इस आप देखेंगे ये फिगर भी दिख रहा है हमको यहाँ पर, ये फिगर भी दिख रहा है हमको, फिगर भी दिख रहा है ये, ठीक है। तो जो क्विक रिलीज पिन फास्टनर है, जैसा कि नाम से प्रदर्शित होता है, इन पिनों को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, ये बहुत ही सुगमता से इनको होल के अंदर फिट कर सकते हैं, दो पार्ट्स को जॉइंट करते हैं, वहाँ होल करते हैं, होल के अंदर इनको फिट कर देते हैं, बहुत आसानी से इनको निकाल सकते हैं। इसे टी हैंडल पिन भी कहते हैं, यह छिद्र में ढीली अवस्था में रहती है। यह टी साहब का ये हैंडल है, आप देख रहे होगे, यहाँ से आप देख पाएंगे ये इसका शेप कैसा है, टी टाइप का है ऊपर, है ना। तो इसको बहुत आसानी से, ये होल में थोड़ा ढीला रहता है। और जो अर्धस्थक सेमी अर्धस्थाई पिन स्तरक हैं, क्विक परमानेंट पिन फास्टनर, उनका क्या है, उनका क्या रोल है वो देखते हैं। ये क्या करते हैं, इन पिनों से बने जोड़ को सुगमता से अलग नहीं कर सकते, नहीं जोड़ा जा सकता है, इन्हें खोलने अथवा लगाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, हथौड़े वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, प्रेशर देके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये पिनें दो प्रकार की होती हैं, मशीन पिन और रेडियल लॉकिंग पिन। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, मशीन पिन और रेडियल लॉकिंग पिन, ये दो प्रकार की होती हैं। मशीन पिन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, डोवेल पिन, टेपर पिन, क्लेवस पिन, डोवेल पिन, टेपर पिन, क्लेवस पिन, कोटर और स्प्लिट पिन एंड सेफ्टी पिन। इनको मशीन पिन को पांच भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोवेल पिन के बारे में, क्या है डोवेल पिन, क्या होती हैं, कैसी होती हैं। जो डोवेल पिन है, इनका कार्य दो अंगों की रिलेटिव मोशन को निर्धारित करना है। ये बेलनाकार आकृति की होती हैं और इनकी सतह को कठोरीकृत तथा ग्राइंड किया जाता है। इन्हें लोकेटिंग पिन भी कहते हैं। इनका अधिकतर उपयोग एक्यूरेट अलाइनमेंट तथा परतदार कांटों को बांधने आदि के लिए किया जाता है। एक्यूरेट अलाइनमेंट, लैमिनेटेड सेक्शंस को बांधने के लिए किया जाता है। ये क्या करते हैं, मान लो कोई दो प्लेट हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। अब इनको, अब इस पाई प्लेट को इससे जॉइंट करना, तो अगर ये वाली प्लेट ऐसे ले आएंगे इसके ऊपर, ठीक है, और यहाँ होल किया, इसमें ये पिन डाली और इसको बांध दिया, तो अब क्या है, ये रिलेटिव मोशन इसका नहीं हो पाएगा। तो इसकी स्थितियाँ लोकेट कर दी इन्होंने, अभी यहाँ से हिलेगा नहीं। तो क्या करता है, ये दो अंगों की सापेक्षिक स्थिति को निर्धारित करता है। इसको अब ये प्लेट ये थी, एक प्लेट ये ही थी, दोनों को यहाँ जॉइंट कर दिया, यहाँ पिन डाल के जॉइंट कर दिया दोनों को, अब ये दोनों जॉइंट हो गए यहाँ पर, अभी हिले डुलेंगे नहीं यहाँ से। तो इस तरह से ये काम करता है हमारा डोवेल पिन। डोवेल पिन देखो, ये है हमारा डोवेल पिन का फिगर, देख पा रहे हैं आप डोवेल पिन, तो ये हमारा डोवेल पिन है, डोवेल पिन, ये हमारा डोवेल पिन है, ठीक है। ये बेलनाकार आकृति की होती है, ये बेलनाकार आकृति की होती है, और इसके ऊपर कोई हेड नहीं है, यहाँ कोई हेड नहीं है। कैसा है आकृति, कैसी है, बेलनाकार है, ठीक है।
आकृति कैसी है, बेलनाकार, और किसी प्रकार का कोई हेड नहीं है। क्लियर है बात। दूसरा टेपर पिन, टेपर पिन भी, टेपर पिन क्या है, टेपर पिन है भी हमारी बेलनाकार होती हैं, ऊपर कोई हेड भी नहीं होता इनमें, लेकिन जो यहाँ से देख रहे हो आप टेपर होती हुई आती हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो डाया कम होता जाता है, और जो जिस होल में इनको इंसर्ट करते हैं उनका डाया जो निचला डाया होता है ना इतना बराबर, इसका जो निचला डाया मान लो ये शेप है टेपर की, तो निचला जो डाया है स्पिन का इसके बराबर होल करते हैं और फिर इसको फोर्स लगा के इसको इंसर्ट कर देते हैं, तो ये बहुत टाइटली फिट हो जाती है। ये क्या है, सिंपली है तो ये बेलनाकार, लेकिन टेपर फॉर्म में है, इसका ऊपर से नीचे टेपर होते हुए आती है और जो निचला जो डाया है इसका ये वाला इतना इसका एरिया का होल करते हैं जहाँ जॉइंट करना होता है, जहाँ पार्ट्स को दोनों जोड़ते हैं, फिर इतने होल में ही ऊपर से ये फोर्स लगा के इसको इंसर्ट कर देते हैं, तो बहुत ही टाइटली फिट हो जाती है। ये बात क्लियर है। अगला है क्लैब स्पिन, ठीक है, टेपर पिन में भी बताया मैंने, ये लगा देते हैं उसका डिमरी वगैरह भी लगा देते हैं लास्ट में ही होल करके, तो यहाँ डिमरी वगैरह भी लगा देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये टेपर पिन्स हैं, देख रहे हो ये लग, ये साफ्ट है ना, ये सब दो साफ्ट, ये साफ्ट जोड़ा गया है, ये लिवर है, ये पिन को कनेक्ट किया गया है, लास्ट यहाँ पर आके इसको ढिमरी भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर चाहे तो नीचे सिरे पे ऐसे होल करके इसमें ढिमरी विमरी लगा के कस भी सकते हैं जैसा चाहे, जैसे ये देखो है ना पिन लगा, यहाँ आगे नट बोल्ट लगा दिया, यहाँ से लूज ना हो जाए, कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला है क्लैब स्पिन, क्लैब स्पिन का फिगर देखो, यहाँ देखो इसमें देखो ऊपर हेड है ना, इन दोनों में हेड नहीं था, इसमें भी नहीं था हेड, इसमें भी नहीं था, इसमें हेड है, लेकिन जो क्लैब स्पिन है उसमें हेड है, ठीक है बेटा। क्लैब स्पिन में क्या है, ऊपर सिरे में हेड भी है, बाकी बेलनाकार है, पिन जनरली सब बेलनाकार होती हैं, लगभग सारी पिन बेलनाकार होंगी, टेपर में टेपर होता है, डबल में हेड नहीं होता है, जैसे क्लैब में हेड होता है, देखो उसमें हेड है, ऊपर हेड है। क्वार्टर या स्प्लिट पिन, ये देखा, ये वाली पिन तो आपने देखा हुआ है, पंखे में इस्तेमाल करते हैं, पंखा लगाते हैं तो ये दोनों इस प्रकार के होते हैं, ये फैल जाती हैं, जो होल में डाला है इसको ऐसे इधर फैला दी, इसकी टांग है इसकी तरह फैला दी, जब निकालना होता है तो प्लास से इसको सीधा कर लेते हैं, इसको भी सीधा कर लेते हैं और ये खींच लेते हैं, इस प्रकार से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्लैब स्पिन, क्लैब स्पिन क्या कहता है, क्लैब स्पिन, ठीक है, छोटी छोटी जानकारी है, बेसिक आराम से आप पढ़ लोगे, अच्छा लगेगा आपको। क्लैब स्पिन, क्लैब स्पिन क्या है, देखो बच्चा ये पिनें भी गोल काट वाली अर्थात बेलनाकार आकृति की होती हैं, अंतर केवल इतना है कि इनके एक सिरे पर हेड बना होता है, जो बताया ना इसमें हेड है, क्लैब स्पिन में हेड बना होता है, जबकि डबल पिन टेपर में हेड नहीं था, तथा दूसरे सिरे पर रेडियली एक आर पार छिद्र होता है, देखो लास्ट में छिद्र होता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं छिद्र है, यहाँ छिद्र है, देखो लास्ट में है ना एक छिद्र है, इसमें एक छिद्र होता है, इसका प्रयोग लटकन कड़ियों मतलब सस्पेंशन लिंक तथा नकल जॉइंट आदि बनाने में किया जाता है, इसमें जो पिन डाली जाती है उसके सिरे पर बने आर पार छिद्र के लिए क्वार्टर तथा स्लिट पिन का प्रयोग किया जाता है, यह पिनें भी अपनी स्थिति में बनी रहती हैं, स्लिट पिन क्वार्टर पिन जैसे आपको बताया था ना ये वाली पिन, इसमें दो टांग ये डाल दो, इसकी दोनों टांगें इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ये अब निकलने नहीं देगी, फंसी रहेगी, और जब इसको डिसअसेंबल करना हो निकालना हो तो इसको प्लास से ऐसे खींचो सीधा कर लो, इसको ऊपर से पकड़े खींच लो, तो क्लैब स्पिन का फिगर देख रहे हो है कि नहीं, ये चिमटा टाइप की है एक चीज़ है ना, ये चिमटा सेक्शन है, ये आई सेक्शन है, ये हमारा चिमटे के रूप में है कुछ, ये हमारा आई सेक्शन है, ये इसके अंदर गया, यहाँ बीच में होल किया दोनों को, यहाँ डाल दिया ये और नीचे वो लगा दी, ये क्वार्टर पर लगा दी नीचे, अब ये निकलेगा ही नहीं, जॉइंट हो गया, ठीक है बात समझ में, ये चिमटा टाइप का है, क्लियर हुआ होगा बेटा ये फिगर, डायग्राम से आप समझ पा रहे हो, ये हमारा एक चिमटा का रूप ही था, ये हमारा इधर ये चिमटा रूप में कुछ है, ये आई सेक्शन रूप में कुछ है, यहाँ हमने होल किया दोनों में, यहाँ पिन डाल दी, देखो दोनों जॉइंट हो गया कि नहीं हो गया, इसी प्रकार से ये डायग्राम आप समझ पाओगे, इन दोनों को जॉइंट को जोड़ा गया है, तो ये हमारा था क्लैब स्पिन। अगला आते हैं क्वार्टर और स्प्लिट पिन पर, क्या है क्वार्टर और स्प्लिट पिन, देखेंगे सुनेंगे समझेंगे।
देखो बेटा, ये हमारा लटकन कड़ियों का लाइन डायग्राम है, ये है ना, जो एग्जाम आपका अगर होता है रिटन एग्जाम, तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है बेटा, लाइन डायग्राम जरूर बनाओ। अगर आप जनरल डायग्राम वाले, इस प्रकार डायग्राम आप नहीं बना सकते हो, लेकिन लाइन डायग्राम तो बना सकते हो, इस प्रकार के लाइन डायग्राम जरूर बनाओ, है ना। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू वगैरह है ये, जो आप ड्रॉइंग के माध्यम से पढ़ते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है बेटा आपका बनाना, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, बेहद ज़रूरी है इसको बनाना, तो आपको पता होना चाहिए। इसके माध्यम से समझ सकते हैं, देखो है ना, ये मोटी कड़ी है, पतली कड़ी है, बीच में ये मोटी कड़ी, पतली कड़ी है, बीच में पिन डाल दिया, जॉइंट कर दिया, है ना। चलिए अब आते हैं हम अगला पॉइंट हमारा, क्वार्टर और स्प्लिट पिन पर आते हैं। क्वार्टर पिन और स्प्लिट पिन पर आते हैं। क्या है क्वार्टर पिन? यहाँ देखो, आप देख रहे हो, देखो क्वार्टर और स्प्लिट पिन, देखो यहाँ आते हैं क्वार्टर स्प्लिट पिन का डायग्राम, अगर यहाँ है कहीं, ये समझ में आएगा, इस माध्यम समझो पहले। क्वार्टर पिन या स्प्लिट पिन है क्या, पहले समझते हैं। यह दो जो शाफ्ट आप जोड़ रहे हो जनरली, हैं दो शाफ्ट में रिलेटिव मोशन ना हो, उसको रोकने के लिए इसका काम होता है, तथा कहीं कहीं जोड़ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। साइकिल की गद्दी में पिन, साइकिल की गद्दी में ये क्वार्टर या स्प्लिट पिन लगती हैं, साइकिल की गद्दी में। यह सामान्यतः अर्धवृत्ताकार काट वाली होती हैं, यह सामान्यतः कैसी होती हैं, अर्धवृत्ताकार काट वाली होती हैं, बेलनाकार काट वाली होती हैं, और तार को मोड़कर इस प्रकार बनाते हैं कि लंबा भाग बेलनाकार बने, तथा इसको लगाते समय अंग में डालकर बाहर निकले पिन के बेलनाकार भाग को इसकी दोनों टांगों को अलग दिशा में मोड़ देते हैं। यदि पिन निकालनी हो तो इन्हीं टांगों को सीधा करके एक दूसरे प्लास से हाथ से पकड़कर खींच लेते हैं। क्वार्टर पोर पिन और स्प्लिट पिन, इनको हम सुरक्षा पिन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्वार्टर पिन स्प्लिट पिन, इसको स्प्लिट पिन सॉरी सुरक्षा पिन हमारी सेफ्टी पिन अलग है, दैट इज़ हम इस समय स्प्लिट पिन पढ़ रहे हैं, क्वार्टर पिन और स्प्लिट पिन। तो आप देख पा रहे हो स्प्लिट पिन है, ये स्प्लिट पिन है, देखो ये स्प्लिट पिन, जब पंखा में आपने देखा हुआ लगा हुआ, जनरली पंखा में देखते हो, ये हमारी स्प्लिट पिन है, देख पा रहे हो, ये दिख रही है, देखो ये वाली स्प्लिट पिन, नीचे टांगे खींच दी हैं, ये स्प्लिट पिन आप लगी देखोगी पंखे में, जनरली पंखा लगाते हो ना उसमें ऐसा लगाते हैं, ये खींच देते हैं इस तरह पकड़ के, ये पंखे में है ना स्प्लिट पिन लगी है। ये नट बोल्ट है, आपने कोई जॉइंट बनाया, ये नट बोल्ट का कोई जॉइंट बनाया, यहाँ पर आपने स्प्लिट पिन लगा के और टांगे दिमाग लो ये लगी है स्प्लिट, ये खींच दी, इधर खींच दी, बन गया। तो ये आपने पंखा लगाते समय यूज किया होगा, साइकिल गद्दी में इस्तेमाल होता है इसका, क्वार्टर और स्प्लिट पिन का। अब अगला है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन, अब जैसे सेफ्टी पिन के नाम से ही पता है, ये क्या है, सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इस्तेमाल होता है। मान लो कोई दो शाफ्ट हैं, कोई दो पार्ट्स को आपने जोड़ रखा है, अगर उन पर ज़्यादा लोड आ जाता है तो दोनों पार्ट टूटने से बच जाएंगे, वो क्षतिग्रस्त होने से बच जाएंगे। क्या होगा, ये पिन पहले टूट जाएगी, पिन पहले ख़राब हो जाएगी, और पिन को चेंज करना आसान होता है, कॉस्ट भी कम पड़ेगी रिपेयरिंग की। तो इनका उपयोग सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। मान लो किसी पार्ट पर ज़्यादा लोड आ गया तो ये पिन असफल हो जाएगी पहले, और जो मेन पार्ट्स है उसको ख़राब होने से बचा लेगी, और फिर स्प्रिट को आप चेंज कर लें, फिर जॉइंट कर लें, और अपना मशीन कंपोनेंट आपके सही से वर्क करेंगे, आपका मशीन फिर चालू है। ये मान लो ज़्यादा लोड आ गया, ज़्यादा टॉर्क आ गया, ज़्यादा फोर्स आ गया, तो ये ब्रेक हो जाएगी आपकी पिन, और आपके मेन पार्ट्स को ब्रेक होने से बचा लेगी। अब चलते हैं हम क्वार्टर जॉइंट पर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वार्टर जॉइंट, ठीक है, क्वार्टर जॉइंट पढ़ते हैं। क्या है क्वार्टर जॉइंट, क्या कह रहा है क्वार्टर जॉइंट हमारा? हाँ भाई, क्वार्टर जॉइंट क्या होता है, यह एक समान मोटाई की एक चपटी बेज आकृति का आयताकार काट वाला टुकड़ा है। क्वार्टर जॉइंट क्या है, एक समान मोटाई की एक फ्लैट बेज की आकृति का आयताकार काट वाला टुकड़ा है। बात क्लियर है,
ये कैसे हैं, ये देखो समान जैसे बताया था, देखो है ना ये फ्लैट बेज दिख रहा है, ये भी माइल्ड स्टील के बने होते हैं। और इसका जो टेपर है जनरली वो टेपर, ये थिकनेस इसकी क्या होगी, ये विथ है और ये थिकनेस है, तो थिकनेस विथ की 1/4 होती है। ठीक है, क्लियर है बात। अब आ जाए रेडियल लॉकिंग पिन, इनके बारे में क्या है। इन पिनों का उपयोग ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है, इन पिनों का उपयोग ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जब अंगों पर अत्यधिक वाइब्रेशन लोड या इम्पैक्ट लोड कार्य करता है। ये पिनें अपनी विशेष आकृति के कारण छिद्र की परिधि पर दृढ़ता से लगी रहती हैं। ये पिनें सस्ती होती हैं तथा इनका